तो आज हम बनाते हैं चॉकलेट्स। तो मेरे पास ये डार्क कंपाउंड वाला एक पैकेट है जो 400 ग्राम का है, एंड एक चॉकलेट मोल्ड है। अगर आपके पास चॉकलेट मोल्ड अवेलेबल नहीं है तो आप बर्फ वाला ट्रे भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आपका चॉकलेट्स रेडी हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसको बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो ये मैंने एक कुकर लिया है जिसमें मैं पानी उबालने रखने वाली हूँ, और ये मेरा बर्तन है जो मेरे कुकर पे एकदम फिट हो जाता है। तो देख सकते हैं, आपको इस तरह से कोई भी बर्तन लेना है जिससे के ऊपर आप चॉकलेट मेल्ट कर सकते हो। पहले हम थोड़ा सा चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं। को कट कर लिया है और मैं अभी पानी गर्म हो चुका है तो हम इसके ऊपर रख देते हैं। तो आप इसको बीच बीच में चेक करते रहना क्योंकि वो ये अभी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं चॉकलेट मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, और इतना ध्यान रखें कि इसमें पानी का एक भी बूंद नहीं जाना चाहिए। तो धीरे धीरे ये अभी मेल्ट हो रहा है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो अब हम इसको चॉकलेट बनाते हैं। तो ये हमारा मेल्टेड चॉकलेट रेडी है और हम इसको अभी मोल्ड में डाल देते हैं। तो हमें ये एक एक करके पूरा भर देना है। अगर आपको उसमें ड्राई फ्रूट्स चाहिए तो आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। तो ये आपने देख लिया कि मैंने हाफ हाफ भर लिया है, और मैं इसमें थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको फिर से चॉकलेट से कवर कर लूंगी। देख सकते हैं मैंने ये पूरा ट्रे भर दिया। तो हम इसको फ्रीज करने रख देते हैं। हमारा चॉकलेट फ्रीज होके बाहर आ गया, तो हम इसको एक एक करके निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे चॉकलेट्स रेडी हैं। तो ऐसे करके हम सारे चॉकलेट्स निकाल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप बर्फ के ट्रे में भी चॉकलेट्स बना सकते हो, तो ये मैंने फ्रीज कर लिए और ये आसानी से निकल सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे चॉकलेट्स रेडी हैं। Enjoy!